जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है जब उसके पास दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में धन आ रहा हो। ऐसे में सबसे पहले देखा जाता है कि वह देश अपने हथियारों को किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट के जरिए कितनी बड़ी मात्रा में उसके पास पूंजी आ रही है। और दोस्तों, इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियारों को बनाना शुरू किया है और लगातार भारत इसमें बड़े हथियारों को बना रहा है। साथ ही कई सारे देशों के साथ ऐसी टेक्नोलॉजीज को शेयर भी कर रहा है जिससे भारत को बड़ी मात्रा में फायदा भी होगा। और दोस्तों, अब भारत हथियारों के एक्सपोर्ट करने की रेस में काफी ज्यादा आगे आ चुका है। ऐसे में भारत के पास अब वो डील्स आने वाली हैं जिनका कि भारत काफी समय से इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, इसी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक ऐसा देश है जिसने भारत के साथ करीब 3,000 करोड़ की बड़ी डील करने की पेशकश रखी है। और ऐसे में भारत इस अगर डील को कर लेता है तो भारत के हाथ में बड़ी डील लगते ही भारत एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि हथियार भेजो और उससे बड़े मात्रा में पैसा कमाओ और फिर उसको और भी ज्यादा बड़ा हथियार बनाओ, फिर उससे और भी ज्यादा पैसा कमाओ। और दोस्तों, इसी फॉर्मूले पर अमेरिका काम करता है और यही वजह है कि अमेरिका की जो रक्षा बजट है वो हमारे देश से करीब 10 गुना ज्यादा है। और ऐसे में किसी भी तरह से जो रक्षा बजट है उसका कोई भी भार अमेरिकी जनता पर नहीं आता है या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नहीं आता है, बल्कि पूरी तरह से वो हथियार बेचकर इस पूरे पैसे को इकट्ठा करता है और अपनी सेना के रक्षा बजट में लगाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका कई सालों से न केवल एक सैन्य सुपर पावर है बल्कि एक आर्थिक सुपर पावर भी बना हुआ है। और दोस्तों, अब यही फॉर्मूला भारत ने भी अपना शुरू कर दिया है और आज की खबर से आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि फिलीपींस ने भारत से 3,000 करोड़ के हथियार खरीदने की मांग रखी है। और दोस्तों, सच मानिए, ये भारत के आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होगा। आपको बताया कि फिलीपींस पहले भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद चुका है, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है बल्कि ये 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की डील है। इतना ही नहीं, करीबन 8 की संख्या में डोनियर 228 एयरक्राफ्ट भी वो हमसे खरीदेगा। और दोस्तों, इसको लेकर बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कम्प्लीट हो चुकी है, वो बहुत ही जल्द इस डील को कम्प्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों, अगर एक बार ये डील कम्प्लीट हो जाती है तो भारत को दो तरीके से फायदा होगा। एक तो यहाँ पर भारत के पास बड़ी मात्रा में आएगा, साथ ही दूसरी तरफ फिलीपींस और चीन की जो सीमा लगी हुई है उसका भी भारत भरपूर उपयोग करेगा। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए ये डील बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। साथ ही भारत जिस तरह से अपने हथियारों को बेचने के लिए किस्तों में दूसरे देशों को हथियार मुहैया करा रहा है और कई सारे देश हैं जो भारतीय हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि फिलीपींस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक बन जाएगा। तो दोस्तों, एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत अपने मेक इन इंडिया मिशन के तहत काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, अब इसको लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।